बीसीसीआई ने बुधवार को विराट कोहली से टीम इंडिया की वनडे कप्तानी वापस ले ली। इसके साथ ही रोहित शर्मा को टीम इंडिया का नया वनडे कप्तान बनाने का ऐलान किया। इसके बाद ट्विटर पर कुछ फैंस ने बीसीसीआई के इस फैसले का स्वागत किया तो कुछ फैंस ने बीसीसीआई के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें, अभी तक ये पता नहीं चला है कि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया कि बीसीसीआई ने उन्हें हटाने का फैसला लिया। ट्विटर पर कई लोगों ने विराट कोहली से कप्तानी वापस लेने के लिए बीसीसीआई पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें, फैंस ने बीसीसीआई और सौरव गांगुली की आलोचना करते हुए कई ट्वीट किए। ये बताता है कि कई फैंस को बीसीसीआई का ये फैसला पसंद नहीं आया, वो कोहली से इस तरह से कप्तानी वापस लेने से नाराज दिखे। जी हाँ, खबरों की माने तो बोर्ड ने विराट कोहली से कप्तानी छोड़ने को कहा था। इसके लिए विराट कोहली को 48 घंटे का समय दिया था, लेकिन विराट कोहली कप्तानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद उन्हें कप्तानी से हटाने का एकतरफा फैसला लिया गया। क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद।